नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली फॉर बिहार दरोगा एंड स्टेट पीसीएस के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमने डाल दिया है वीडियो, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बिहार दरोगा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो में बना दिया गया है, आप जाके उससे देख कर पढ़ सकते हैं। तो सीधा चलिए अब क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। आप लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप उसमें अपना आंसर गेस कर सकते हैं। आंसर होगा ए, लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोरों का नारा दिया था। आंसर होगा डी, कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। आंसर होगा सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी किया था। आंसर होगा सी, राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी। आंसर होगा सी, 1915। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है। आंसर होगा डी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालूब, तुलूब और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया। आंसर होगा बी, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। आंसर होगा बी,
रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? आंसर होगा बी, बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहते थे? आंसर होगा बी, विलियम हॉकिंग्स। विलियम हॉकिंग्स हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 11। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? आंसर होगा बी, अधिनियम 5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा डी, मदन मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा बी, 6 अगस्त 1952। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? आंसर होगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आनंद मठ के लेखक कौन है? आंसर होगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में किए थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? आंसर होगा ए, 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? आंसर होगा सी, 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 23 मार्च की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सेंडरसन की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर होगा डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन शुरू की थी किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा बी, अंबिका चरण मजुमदार। दोस्तों कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस को धरो गर्म दल और नर्म को एक मंच पर लाया गया। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? आंसर होगा ए, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिए थे। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में कुछ गलती हो गया था, जो कि वो बक्सर का युद्ध 1774 गलती से बोला गया था, जो कि वास्तव में 1764 है, तो उसको एक बार देख लेंगे। फिर दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? आंसर होगा ए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 26, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? आंसर होगा सी, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा सी, लॉर्ड लिट्टन। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम
लागू किए थे। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा डी, रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बी, बीपी बाडिया आंसर होगा। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था। इसकी स्थापना बीपी बाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? आंसर होगा सी, मद्रास लेबर यूनियन। दोस्तों, मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? आंसर होगा डी, शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? आंसर होगा बी, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? आंसर होगा ए, उर्दू। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तू में भी प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? आंसर होगा ए, 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? आंसर होगा बी, 1872। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना किया गया था, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? आंसर होगा सी, रोलेट एक्ट का पारित होना। रोलेट एक्ट को 18
1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? आंसर होगा सी, तुर्की में क्रांति। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना किया गया। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? आंसर होगा डी, अष्ट प्रधान। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद अष्ट प्रधान का गठन किए थे। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? आंसर होगा ए, बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुआ। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? आंसर होगा बी, लॉर्ड वेल्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? आंसर होगा बी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा ए, सरोजनी नायडू। दोस्तों, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने किए थे। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आंसर होगा सी, 7 सितंबर 1931। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आंसर होगा ए, ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा डी, के किलाप्पन। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर किए थे? आंसर होगा ए, कलकत्ता। दोस्तों, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्र के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।